वामपंथी आंदोलन। मानवेंद्र नाथ राय ने सोवियत संघ की यात्रा कर रूसी कम्युनिस्ट पार्टी से संबंध स्थापित किया। अक्टूबर 1920 में मानवेंद्र नाथ ने ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? अक्टूबर 1920 में। किसने की? मानवेंद्र नाथ ने। मानवेंद्र नाथ ने ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना अक्टूबर 1920 में की। 27 दिसंबर 1925 को कानपुर में सत्य भक्त के नेतृत्व में अखिल भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना की गई। लेबर स्वराज पार्टी भारत की पहली मजदूर किसान पार्टी थी, जिसकी स्थापना बंगाल में हुई थी। 1927 में पहली बार 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में मनाया गया। ये पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? फर्स्ट ऑफ मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है हर साल। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1927 में। 1927 में पहली बार फर्स्ट मई को मजदूर दिवस मनाया गया था। साम्यवादियों के भारत में बढ़ रहे प्रभाव से चिंतित ब्रिटिश सरकार ने 1934 में भारतीय साम्यवादी दल पर प्रतिबंध लगा दिया गया। यह प्रतिबंध 1942 तक रहा। तो 1934 से 1942 तक भारतीय साम्यवादी दल पर प्रतिबंध रहा था। अक्टूबर 1934 में कांग्रेस समाजवादी दल का गठन कांग्रेस के भीतर हुआ। सुभाष चंद्र बोस और नेहरू के समर्थन से गठित कांग्रेस समाजवादी दल का मुख्य उद्देश्य कांग्रेस के भीतर ही रहकर कांग्रेस को समाजवादी मूल्यों से आबद्ध करना तथा इसकी बुनियादी नीतियों को बचाए रखना था। जेपी नारायण ने समाजवाद ही क्यों नामक पुस्तक की रचना की और समाजवाद एवं राष्ट्रीय आंदोलन नामक पुस्तक की रचना आचार्य नरेंद्र देव ने की। तो इस टाइम पीरियड में दो इम्पॉर्टेंट बुक की पब्लिकेशन हुई थी, कौन कौन से? समाजवाद ही क्यों नामक पुस्तक के रचनाकार थे जेपी नारायण। समाजवाद एवं राष्ट्रीय आंदोलन नामक पुस्तक के रचनाकार थे आचार्य नरेंद्र देव।